वही चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के जाने से डगमगाई ट्रैफिक व्यवस्था से निपटना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। श्रीनगर होकर बद्रीनाथ और केदारनाथ को जा रहे यात्रियों के वाहन कुछ देर के लिए अब फरासू के समीप रोके जा रहे हैं, जिससे चमोली और रुद्रप्रयाग ट्रैफिक जाम के हालातों से निपटा जा सके। ट्रैफिक कम होने के बाद ही श्रीनगर से यात्रियों के वाहनों को रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए भेजा जा रहा है। वही SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। चारधाम पर जाने वाले सभी यात्री जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन हेतु जा रहे हैं, जब भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में कंजेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में ऐसे श्रद्धालुओं को श्रीनगर में हमारे द्वारा रोका जा रहा है। अतः हमारी ओर से सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आपकी यात्रा को सुगम बनाने हेतु ही हमारे द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक को रुकवाया जा रहा है। और जैसे ही बद्रीनाथ या केदारनाथ में भीड़ कम होती है तो हमारे द्वारा यहाँ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है।